पिगमेंटेशन और ब्लेमिश स्किन के लिए क्या जरूरी होता है? सबसे पहले तो आपके स्किन में लेयर होनी जरूरी होता है। लेयर मीन्स, इसे एक्सप्लेन अगर करके समझाओ तो लेयर मीन्स आपके स्किन को सही तरीके से प्रोटेक्शन देना जरूरी होता है। आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेने की नीड है, एक अच्छा सा सीरम लेने की नीड है। आप सीरम में ले सकते हो विटामिन सी सीरम, हाइलोनोरिक एसिड सीरम, ये सारे सीरम होता है स्किन को प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद आपको यूज करना है सनस्क्रीन। तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर होता क्या है, जो हमारे सन के यूवी रेस है उसमें जो वो यूवी रेस सीधा आके हमारे स्किन के ऊपर आके जो भी हमारे ऊपर की सेल होता है, स्किन की जो सेल होता है उसे एक जगह इकट्ठा कर देता है, तो वही बाद में कन्वर्ट हो जाता है पिगमेंटेशन, जो कि मोस्टली आप देख सकते हो कि विलेज की जो भी लड़कियां होते हैं उसके मोस्टली 99% लड़कियों में पिगमेंटेशन फेस पे होता ही है। तो ये पिगमेंटेशन इसी कारण के लिए होता है क्योंकि स्किन को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता। अब अगर सही तरीके से विटामिन सी सीरम, अब मॉइस्चराइजर, ये सारे क्लींजर, ये सारे प्रोटेक्शन अगर आप रखोगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता आपके फेस पे पिगमेंटेशन हो, ब्लेमिशियस हो, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके स्किन को सही तरीके से प्रोटेक्ट करो, तो चाहे आप 40 प्लस की क्यों ना हो, चाहे आप 14 ईयर्स की क्यों ना हो, ब्लेमिशियस और पिगमेंटेशन नाम की कोई चीज़ होगा ही नहीं।